ओके तो देखो भाई पता है इसको देखने के बाद मेरे दिमाग में ये आ रहा है, इसके मेकर्स ने सोचा होगा कि हम ऑडियंस पर इतने ट्विस्ट मारेंगे कि एक बार ऑडियंस भी बोलेगी अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। उफ भाई साहब, सीरीज कहाँ से शुरू होती है एंड कहाँ पहुँच जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एनीवे चलो रिव्यू करते हैं एक नई वेब सीरीज का जिसका नाम है अथीडी। सही बोला ना। इस वेब सीरीज को भाई रिलीज किया गया हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर, जो कि आपको 7 लैंग्वेज में प्रोवाइड की गई है। एंड इसको देखने के लिए भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना, मतलब केवल 6 एपिसोड है एंड हर एपिसोड की जो लेंथ है वो 30 मिनट के आसपास ही है। यानी डबिंग काफी बढ़िया है, सीरीज को फैमिली के साथ देख सकते हो। अब देखो सीरीज को देखने से पहले दो चीज बता देता हूँ भाई, इस सीरीज को दो तरह की ऑडियंस देखेगी। पहली वो जो की हॉरर जॉनरा में PhD कर रखे हैं, तो उनके लिए यहीं पर मैं क्लियर करता हूँ कि भाई आपको इस सीरीज को देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। दूसरी वो ऑडियंस जो कि अभी बिल्कुल नए हैं हॉरर जॉनरा के लिए, तो हाँ शायद ये सीरीज जो है उनको पसंद आ सकती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कहानी का आइडिया दे देता हूँ, जिससे कि आपके लिए चीजें और क्लियर हो जाए। तो देखो भाई, इसमें आपको कहानी देखने को मिलेगी एक राइटर की, जो कि अपनी बीवी के साथ एक काफी बड़े आलीशान बंगले में रहता है। एक दिन भाई उस घर में एक लड़की आती है एंड भाई उस लड़की के आने के बाद इस सीरीज में जो भी चीजें चलने लगती है, क्या क्या होने लगता है, ये सब जानने के लिए आप इस सीरीज को देख लेना। अब देखो अगर मैं इस सीरीज सिंपली कमेंट करूं आपके लिए, तो बस मैं इतना बोलूंगा कि भाई सीरीज के जो मेकर्स थे उनके पास कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया था। मतलब भाई सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन जो सीरीज में थीम देखने को मिलता है उसको लेकर के मेकर्स के पास जो क्लियर विजन होना चाहिए, उस विजन को भाई अनफॉर्चुनेट इसके मेकर संभाल नहीं पाए। सीरीज में भाई बहुत सारे थीम्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से खिचड़ी बन गई। मतलब ना तो ये सीरीज आपको हॉरर के एलिमेंट अच्छे से प्रेजेंट कर पाती है, ना ही आपको कुछ ऐसा स्कैरी जंप देखने को मिलता है जिसको देख करके आप उछल पड़ो, नहीं जो आपको साइकोलॉजिकल एंगल देखने को मिलता है वो भी अच्छी तरीके से काम कर पाया। एंड भाई लास्ट के दो एपिसोड में, स्पेशली जो लास्ट के एपिसोड, उसमें जो चीजें देखने को मिली ना उसको देख करके मेरे दिमाग से बस यही आया, कुछ भी। एंड जैसा मैंने स्टार्ट में बोला था कि अगर आप एक स्मार्ट ऑडियंस हो, आपने PhD कर रखी है इस तरह के जॉनरा पर, तो ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बट अगर आप एक न्यू ऑडियंस हो, आपने अभी ज्यादा हॉरर जॉनरा को एक्सप्लोर नहीं किया है, बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर के नहीं, बट मन करेगा तो ट्राई कर लेना। अदरवाइज मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई स्किप मारो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब भाई कुछ ज्ञानी लोग भी आएंगे जो कि बोलेंगे कि भाई क्या बात कर रहा है, इतने ज्यादा तो ट्विस्ट टर्न्स थे, इतना मजा आया देख करके, मैं तो पूरी तरह से सरप्राइज हो गया, ऐसा मैंने हॉरर नहीं देखा। तो उनको बस मैं इतना ही बोलूंगा कि इसमें जो भी चीजें दिखाई गई उसके लिए आप गूगल करो, सब कुछ वहीं से कॉपी पेस्ट मारा गया, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अच्छा हाँ, सब कुछ बुराई कर दिया, लेकिन दो अच्छी चीजें बताता हूँ क्या अच्छा लगा। पहली चीज जो भाई एक्ट्रेस देखने को मिलती है, जिस हिसाब से उसको एंट्री दी गई है, गजब। दूसरा जो अपना यूट्यूबर भाई देखने को मिलता है, भाई साहब क्या बोलूं, उसको देख करके अपनी याद आई। अदरवाइज भाई सीरीज बिलो एवरेज है, कुछ भी देख करके खास मजा नहीं आया, इसलिए भाई सीरीज को मैं ओवरऑल जज करते रेट करूंगा 5/10 स्टार। तो अगर आपने इसको देख लिया तो आपको सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर देना। मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, देखने के लिए मैं फिर से मिलता हूँ नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।